हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सभी लोग काफ़ी ज़्यादा मज़े में होंगे। तो आज हम खेलने वाले हैं मोर्टल कॉम्बैट एक्स, ठीक है, जो कि पर्सनली मेरा फेवरेट गेम है, क्योंकि मेरे को फाइटिंग गेम्स काफ़ी ज़्यादा पसंद हैं। और मतलब अलग ही प्यार है यार फाइटिंग गेम्स से तो मेरे को, ना जाने क्यों। तो आज हम ना एक स्टोरी मोड होता है, इसके अंदर हम फाइटिंग भी करेंगे लेकिन स्टोरी के साथ करेंगे, ठीक है। तो आज हम उसी स्टोरी मोड को खेलने वाले हैं। तो सब लोग वीडियो के साथ बने रहना, और ना इसकी वीडियो रेगुलर आने वाली है, ऐसा नहीं होगा कि हफ्ते में एक बार और महीने में, मतलब ऐसा तो नहीं होने वाला, रोज ही मेरे ख्याल से वीडियोस आएंगी डेली। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और बाकी वीडियो को लाइक कर देना। बाकी बढ़ते हैं आगे, इसको लोड होने दो। प्रॉपर स्टोरी लाइन है भाई, तुम लोगों को मजा आएंगे कसम से। मूवीज वगैरह देखते हैं ना, ऐसा ही कुछ होने वाला है। तो देखते हैं कहाँ से स्टार्ट होती है। मैंने भी अभी तक इसको नहीं खेला है, थोड़ा सा मतलब थोड़ा बहुत ही खेला था बस। ओके। Millions of years ago, Shinnok, one of the elder gods, turned on his deities and invaded the Earth realm. देखिए काफी समय पहले यहाँ पे शिनोक आया था। Raiden and the elder gods stopped Shinnok, locked him up in the Nether realm. देखिए Raiden and elder gods ने उसको रोकने की कोशिश की। ये शिनोक, शायद यही शिनोक है, हरामी लौंडा, मतलब शिनोक है कि ये मानो तुम। Others followed in Shinnok's footsteps. Like Outworld's Emperor Shao Kahn, who was obsessed with conquering Earth. शिनोक को तो हमने रोक लिया था, लेकिन शो कॉनर ये जो है, ये उसके रास्ते पे चला। The Elder Gods to enact the Mortal Kombat tournament as a way to even the odds. और प्लान करके किस तरीके से इन्होंने आपस में लड़वा के Mortal Kombat के टूर्नामेंट को जन्म दिया। Generations, Shao Kahn followed the Elder Gods' rules. ठीक है। The war moved to the arena, where he sent his toughest fighters to challenge Raiden's greatest defenders in Mortal Kombat. मतलब उसने ना किसी तरीके से इन लोगों को फंसा उसा के ना काफी सारे फाइटर्स को मारने की कोशिश की, और शायद वो सफल भी हो गया। बस शौक और इज लूज, अच्छा हरा दिया उसको, शौकों को हरा दिया किसी तरीके से। पर उन लोगों ने यहाँ पर अर्थ ग्राउंड पर हमला कर दिया उसकी सेना ने, और अपने काफी सारे इमोर्टल्स मारे गए। ओ भाई, ये था शौक और ये stopped Shao Kahn's invasion. Acha. Usko kisi tarike se bandh ke rakha gaya tha idhar. The elder gods. Aur usko ye usko matlab bilkul khatam kar diya. Shao Kahn ka to matlab ye Shao Kahn na 9 ka tha, isko bilkul hi mita diya hai inke elder god ne. We thought the long night. Theek hai, elder gods matlab sabse bade god. Lekin ye hai Shinnok. He's been manipulating events. Shao Kahn's invasion. Bhai ye Shinnok hai, wo kaun che dono sabse harami log hain is game ke. All part of Shinnok's plan. अच्छा, ये सब शिनोक का प्लान था, मतलब उसको मरवा के अपने आप को नर्क से बाहर निकालने का, और वो उसमें शायद कामयाब भी हो गया। भाई शिनोक जाग गया। भाई शिनोक सच्ची में बहुत खतरनाक बंदा होगा कसम से, तुम लोग देखना इस गेम में। शिनोक भाई अलग ही लेवल का है। एक शिनोक हो गया, एक कौनची है ना, कौनची हो गया, और भी दो तीन कैरेक्टर ऐसे हैं। ये क्या हो रहा है? ओ भाई, इस वीडियो पर तो वैसी एज रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। तो भाई कुछ खतरनाक तबाही मच रही है भाई यहाँ पे, और इस गेम में काफी ज्यादा खून खराब होने वाला, और तुम लोगों को बहुत मजा आएंगे बेसिकली स्टोरी को देख देख के। भाई क्या फाइटिंग हो रही है, और ये शायद उसी की आर्मी है जो वो था ना, क्या नाम है, कौनची की आर्मी होगी या तो ये, क्योंकि वो तो मर चुका है सोरो गोर जो था, वो एल्डर गोर से मार दिया था। भाई कितना गंदा मारा कसम से, उसका सर उखाड़ के ले गया, ये बहुत गंदा था। हेलीकॉप्टर्स आ गए हैं यहाँ पर, मिलिट्री अपनी आ चुकी है। अरे वाह, जोनी के जो अपने जोनी भाई, जोनी वाला भाई नहीं, जोनी वाला भाई पतला जोनी नहीं होता भाई, बालों वाला है जोनी इसमें। ओके, सोने ब्लेड भी है। अच्छा, सोने ब्लेड मेजर है। दो इमोटल्स तो अपने पास आ चुके। 30 आ रहे हैं, मेरा फेवरेट मेरा भाई कैंची। अंधा भाई, अंधा वाले है लेकिन ये हमसे तेज आके सुनता है, सुनता भी है देखता भी है, लेकिन स्मार्ट है बंदा किंची। ठीक है, फ्रॉम देयर वी एक्सेस द पोर्टल टू रेडन स्काई टेंपल। अपने को स्काई टेंपल जाना है, स्काई टेंपल। ओहो, वहां पे हमारा शैतान इंतजार कर रहे हैं, जो कि रेडन की जगह है। रेडन भाई कुछ पूछो मत, क्या है रेडन बंदा। द वर्ल्ड हैज चेंज्ड फॉर द वर्स इफ वी डू नॉट एक्सपेल शिनोक फ्रॉम रेडन टेंपल। ठीक है, हमें शिनोक को रोकना पड़ेगा रेडन टेंपल के अंदर जाने से, अगर वो वहां पर पहुंच गया तो तबाही मचा देगा दोबारा से।
We're happy to help kick Shinnok's bony ass back to the Netherrealm. कौन कौन हमारी मदद करना चाहेगा शिनॉक की पिछवाड़े पे लात मार के उसको वापस से नर्क में फेंकने के लिए? ये जितना समझ आसान समझ रहा है ना भाई, तू आराम से इंसान है, वो शिनॉक है, पता उसके अंदर आत्माओं का वास है। स्कॉर्पियन का साया, ये स्कॉर्पियन की जयंती भाई, तबाह। ओ माय गॉड भाई, ये शिनॉक की मदद क्यों कर रहा है भाई? कत्ले आम बचा दिया उसने, कैंची गया बी। अरे शिट यार, एक मिनट, नहीं शिनॉक भाई दोबारा से नहीं होने दो। ये अब तुम गए, बस हो गया तुम्हारा, अब नहीं, कब तक? ए भाई, वाई पे क्लिक तो क्या हुआ? अच्छा इसको टैप करना, टैप 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 टैप, कुछ नहीं हो रहा है टैप करने से, घुसा दिया भाई। अब नहीं बस ये आखिरी मूव, ओ कैंची उठ गया भाई। आई थिंक मैं इसका नाम गलत बोल रहा हूँ, लेकिन कैंची ही कुछ करके है। ये कौन है? अरे यार स्कॉर्पियन कम था भाई, ये भी यहाँ आ गया। एक मिनट, ये मेरे को वो नहीं भाई, खतरनाक। ए इस बार तुम्हें थोड़ा मारने दूंगा, शिनॉक तो भाई अपना, ये वो है क्या नाम है यार इसका, बर्फ वाले का क्या नाम था, नाम भूल गया यार मैं। ए एक्स, पहले ये दबाने को फिर आप एक्स दबा दिया यार, शिट गलती हो गई भाई। कैंची लटका हुआ अभी तक वहाँ पे शिनॉक के पास, नहीं शिनॉक कह रहा हूँ यार, स्कॉर्पियन के पास लटका हुआ है ये भाई। तुम हमें मारोगे? कोई बात नहीं, हल्का बंदा है तो तुम जोनी भाई को ऐसे अरे यार एक्स, दोनों को मारूंगा मैं, देखो स्कॉर्पियन को भी और इसको भी। इसका नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, बर्फ वाले का क्या नाम था यार, बहुत खतरनाक बंदा है, लेकिन तुम लोग खाली इतना जानो खतरनाक बंदा बहुत ज़्यादा है भाई। चलो यार भाई कैंची बोला, बाल बाल बचाओ कसम से प्लेन से गिरने से, वरना जाता वो सीधे नीचे, खत्म था वो बंदा, ये नहीं जाएगा, ये बड़ा ढीठ है। अब जाओ, हो भाई जोनी खुद ही कूद गया। एक मिनट भी, ओ भाई दिल में चोट लगी कसम से, वो हट गया मतलब वो गायब हो गया स्कॉर्पियन तो, और मैं नीचे आगे कर गया। क्या होने वाला है यहाँ पे? सोनिया ब्लेड प्लेन के अंदर ही है, वो मरमरा ना गई है वैसे अपने पास इमोर्टल्स। अरे यार हाँ, लेकिन मेरा नहीं तुम्हारा अंत तो नजदीक है, पर मेरा नहीं तुम्हारा स्कॉर्पियन। तुम्हारे पास इतनी सारी पावर है तो तुम्हें लग रहा है कि मैं मतलब नॉर्मल सा बंदा तुमसे हार जाऊंगा? जानता हूँ, एक मिनट रुको, तुम्हारे कॉम्बो देख लो बस मैं जोनी भाई, फिर चलते हैं। होल्ड एक्स वाई एक्स, ओके। एक तो इसकी गायब करने वाली स्ट्रेटेजी ना बहुत खतरनाक है भाई स्कॉर्पियन की कसम से, खड़े खड़े बंदे को गायब कर देता। गेट ओवर हियर। अरे यार रुको, इसको प्यार से लपेटना पड़ेगा स्कॉर्पियन भाई को, ये खतरनाक बंदा भाई। मेरे से पढ़ क्यों नहीं रही, मिनट जाओ बस, ये आखिरी था। अब के बार एक ऐसा मूव ढूंढना है मुझे, एक मूव था इसकी जिससे किक चलती है बहुत सारी जोनी भाई की, वही चलानी है मेरे को। आगे ए बी आ जाओ, मैं खुद आ जाता, बुला ऐसे कौन बुलाता है। अरे हे अंतड़िया काट दी भाई, एक्सरे आ गया, अब तो तुम गए स्कॉर्पियन दादा। आओ भाई, अभी मूव लग नहीं रहे लेकिन तुम देखो आ गया, ये पहला मूव पड़ा खत्म, जबड़ा टूटा, मत्ता फूटा और दांत भी टूटा, बहुत बोलता है। गेट ओवर हियर, अब नहीं आऊंगा मैं तेरे पास, इतना इजी मतलब देख रहे हो, जब तक तभी कहते हैं शांत आदमी को छेड़ना नहीं चाहिए। स्कॉर्पियन भाई माना तुम यार पावरफुल हो, लेकिन तुम हमारे हाथ में नहीं हो ना, तुम सही हाथों में होते तो तुम्हें ऐसे लातों में उछलना ना पड़ता। इधर को आओ, थोड़ा फोड़ा और फोड़ दिया, हा हा हा, बड़े मजा आता है भाई फाइटिंग गेम खेलने में, ऐसे मेरे को अगर ऐसे पता निकलता है भाई पूरा गुस्सा निकल जाता है एक बार में, ये अच्छा लगता है। चार्ज अप, अरे यार ऐसी बातें करोगे स्कॉर्पियन, ओ ये हे। अरे यार पास में आके चार्ज नहीं हो पाता, टाइम मतलब सही टाइम नहीं पकड़ पा रही, देखो इधर से जाएगा उधर से निकलेगा, ये कहाँ की वो है यार, ऐसे करोगे चार्ज अप आपकी बार रुक जा। अरे कंट्रोलर बंद हो गया, नहीं 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 नहीं, कंट्रोलर ऑफ हो गया था यार, शिट जीता मैं, छाड़ जाता भाई मैं।
भाई एक बार, अरे यार ये क्या मतलब खड़े तो खड़े खड़े गिरा रहा, मतलब कुछ कर भी नहीं रहा, गिरने से इतनी पावर जा रही है मेरी, और क्या बोलूं मैं, मतलब खड़े खड़े गिराया तो मेरी पावर चली गई, मतलब मारा हो तो कोई मूव तब भी समझ आता है, लेकिन खड़े खड़े होने से पावर चली जाती है, ये नहीं सुन रहे हम भी। ओके एक इन ट्रेनों को चैन दिया भाई, मेरे घर के बाहर ट्रेन ही ट्रेन है, तुम्हारे घर के बाहर ऑटो बाइक चलते हैं, ठेले वाले आते हैं, सब्जी वाले, मेरे घर के बाहर ट्रेनें आती हैं। ओके एक्स 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 नहीं एक्स एक्स ए यार इसको एक्स ठीक है, स्पेशल मूव भी मार के दिखाऊंगा मैं तुम लोगों को, फेटेलिटी और ब्रूटेलिटी भाई क्या ओपी चुम्बेश्वरी, कसम से टिकट भाई की चुम्बेश्वरी वाली, पर इस बार तो तुम्हें देखो मैं कैसा भरता बनाता हूँ, यही 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 तो चाहिए मेरे को बस, अब देखो तुम्हारा क्या जबड़ा तोड़ता हूँ मैं, खत्म। अरे शिट ब्लॉक कर दिया भाई बंदे ने कसम से, पर तुम्हारा क्या ही होगा, स्कोर पर नहीं धराओ भाई, जो नहीं तकड़ा आया कसम से, कोई पावर नहीं है लेकिन फिर भी भाई बंदा ओपी है यार, मेरे से ना ब्रेकर वगैरह मारने नहीं आते, इसके जो ब्रेकर होते हैं ना मेरे से सिर्फ एक्सरे पड़ते हैं, एक्सरे और फेटेलिटी तो मैं मार लेता हूँ, ब्रूटेलिटी और ब्रेकर कैसे मारते हैं वो लोग तुम मेरे को कमेंट करके बताओ, तो ब्रेकर्स कैसे यूज़ करते हैं कंट्रोलर में भी और कीबोर्ड में भी, मेरे को आते ही नहीं भाई। अच्छा बच गई सोनिया, बच गई अपनी गर्लफ्रेंड मतलब जोनी भाई की गर्लफ्रेंड, अरे यार इसकी तो इसका नाम याद आ जाए मुझे अभी, क्या नाम था इसका अभी आएगा, रुको भाई हिल जा, ओ काट देता हूँ गर्दन कटती भाई सीधा, अभी सब जीरो के बच्चे तुझे अभी मैं हीरो बनाता हूँ, रुक जा आजा सब जीरो, हाँ सब जीरो है इसका नाम, तो तू पहले आता तो शायद तू मुझे हरा सकता था, लेकिन अभी तो तू मुझे चाह कर भी नहीं हरा सकता, भाई सब जीरो का ये मूव अच्छा लगता है कसम से, जितने सही सही मूव भाई सब जीरो स्कॉर्पियन के पास है ना, इतने शायद ही किसी के पास है, ये देखो आधा बर्फ हो गया, कहते ही उसका क्या कहते हैं उसे उसका भैया और यार ड्रैकुला का, कहते ही भाई हार्ड मुरादाबाद लैंग्वेज है मेरी, हार्ड मुरादाबाद समझ रहे हो तुम, हार्ड कौन मुरादाबाद, तो आ जाओ, अरे यार ये बड़े मज़, हाँ चलो घर जाओ भाई, फेटेलिटी मार के दिखाता हूँ तुम लोगों को, देखो अरे बस कर भाई बस कर, एक मुक्का का है नहीं तू, अरे यार फेटेलिटी एंड में मारी जाती है, शिट यार फेटेलिटी मतलब दूसरे वाले उसमें मार पाऊँगा मैं, इसमें नहीं मार सकता, फेटेलिटी फिनिशिंग मूव्स कॉम्बो स्पेशल मूव, हाँ मैं एंड में मार पाऊँगा। सब जीरो भैया क्यों आ रहे हो बीच में तुम, हैं क्यों अपनी जान गंवाना चाह रहे हो बेफालतू में यहाँ लड़ लड़ करके, बस छुड़वा लिया जबड़ा तुमने भी, इधर को आओ और प्रसाद खाओ। ओके लेकिन मेरे को ये समझ नहीं आ रहा यार, स्कॉर्पियो ना सब जीरो तो अच्छी की तरफ थे, अच्छाई की तरफ थे, ये लोग मुझे क्यों मार रहे हैं, मैं भी तो अच्छाई की तरफ हूँ, शायद कोई गलत फहमी हुई हुई है स्टोरी लाइन के तरीके से देखा जाए, अरे मैं कितना पागल हूँ खड़े खड़े मतलब तेरी बहन। ओके अभी रुक जा, तेरे से तो मैं नहीं हार सकता, सब जीरो के बच्चे एक राउंड और नहीं दूंगा, यार मेरे पास कुछ है भी तो नहीं यार, क्यों टच करता हूँ मैं इसकी बर्फ को, नहीं 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 भाई इतनी सी पावर कदम से, अब अगर मैं हारा गलत हो जाएगा सी मार, अरे यार अक्षय कुमार एक राउंड चला गया बेफालतू का, इस बार आ जा तो बताता हूँ तेरे को, हाँ तो वही कहते भाई मार यार, अरे हाँ चार्ज वाला मुक्का तो मैं भूल ही गया था, अभी रुको इसको चार्ज करता हूँ जल्दी से, हाँ अगर इसमें तुम लोग ब्लॉक करोगे ना तो भी मार लेता, और मैंने टेकन 7 भी डाउनलोड करने की सोच रहा हूँ क्योंकि फाइटिंग गेम तुम्हें पता ही है भाई को कितना पसंद है, बेटे हर बार तुम्हारी शेर तुम्हें नहीं बचाएगी ठीक है, ओहो कहते हैं माथे में मुक्का मारा आगे बंदे ने, और इसकी शील्ड कितनी खतरनाक तोड़ रहा हूँ मैं, लेकिन मैंने देखा नहीं क्योंकि इसकी शील्ड को कोई भी छूता है ना वो बर्फ़ का बन जाता है, और यहाँ तो अपना जोनी भाई भाई तोड़े पड़ा है कसम से इसकी शील्ड बार बार, क्या बर्फ का बन के आ रहा है बार बार, इधर को तुझे फ्रीज में डालता हूँ बस,
आइसक्रीम बना दी ले, चूस भी ले अब इसको, मतलब मुझको यार आइसक्रीम बनाया ना इनने। ओके बस हो गया, अच्छा नहीं हो अब तो तुम गए। बस उतरवा ली अपनी, आ गए मुझे, पर हुआ क्या? अरे यार तू पहले आ जा, सरप्राइज रिवील हो गया मेरा दी। बस ये मैंने डाउनलोड किया है, तुम लोगों को इसकी वीडियो भी देखने को मिलेगी, और मैं इसको कट करना भी भूल गया। वाह बस तोड़वा ले जबड़ा, आ गए मजे, मिल गई शांति। स्लोमो, ओहो तुम लोग बिल्कुल प्यार से देखो स्लोमो, ये क्या फूटा भाई मत्था, इधर को आओ लात खाओ, ये खून देखो कहाँ तक गए हैं, वही हड्डी बस एक निकल के बाहर ही निकलती है इनकी, बाकी सब हो जाता। स्लोमो कैसे हो गया भाई? अभी ठीक है, हाँ कभी कभी हो जाता है मॉडल कॉम्बैक्ट, अगर तुम्हारा भी स्लो हो जाता है ना तो एक ही काम करना है, इसको वापस से पोज करना, दोबारा चला देना, ठीक हो जाएगा, इतना भैया गेम है। इन दोनों को तो हरा दे, लेकिन मेरे को ये जानना कि अच्छाई की तरफ मैं भी अच्छाई की तरफ हूँ, क्योंकि मैं भी उसकी तरफ नहीं हूँ, क्या नाम है उसका, कौनची की और शेनोक था ना, कौनची और शेनोक की तरफ, वो ये भी नहीं थे मोर्टल, और ये पिछले वाले राउंड में तो नहीं थे, पिछले वाले गेम में, इस वाले गेम में पता नहीं है या नहीं है, लेकिन देखते हैं क्या मैटर है, और वो आपको पता चलेगा अगले राउंड में, क्योंकि ये सब यहाँ पे थंडर बोर्ड के उसके अंदर, थंडर बोर्ड के टेम्पल के अंदर आ चुके हैं, तो बने रहना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।